तो लीजिए मेरे प्यारे देशवासियों, काशीराम जी का जीवन संघर्ष नामक कैसेट का दूसरा भाग आपके सामने लेकर पेश हो रहे हैं। मेरे साथियों, बिजनौर से रिकॉर्ड मतों से विजय पाकर मायावती पहली बार देश की सबसे बड़ी संस्था संसद भवन में बहुजनों की लड़ाई लड़ने पहुंची। सन 1992 में काशीराम जी इटावा से लोकसभा चुनाव जीते। सन 1993 में बसपा ने मध्य प्रदेश में 11 विधानसभा सीट जीती और इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा व समाजवादी पार्टी का चुनावी गठबंधन हुआ और बसपा ने 67 सीटें जीती तथा मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तथा बसपा के 11 मंत्री बने और शोषित पीड़ितों दलितों को क्या संबोधन दिया, बाकी गीत के द्वारा। अब जागे दलित इंसान, ध्यान तुझे अब तो होना चाहिए। अब जागे दलित इंसान, ध्यान तुझे अब तो चाहिए। अब जागे दलित इंसान, तो क्या लिखता है कवि? देवी देवता पूजे तुझे, बंदे सारे खाल तारना रे, चौकीदारी करता था बेकार प्यारे, बिन पैसे मजदूरी करना रे, सेवा ही थे काम थारे। कारज में ही पैदा होते रे, कारज में मर जाते थे, ना तेरा अधिकार कोई, कर्म ही हिस्से आते थे, पढ़ना लिखना दूर शिक्षित, बातें तक ना सुन पाते थे। हो अब दूर करो चाहिए, अब जागे दलित इंसान। शूद्र हमेशा शूद्र रहे, कुछ ऐसी बात बनाई गई, शूद्र जुर्म की सजा भोगते, स्वर्ण की माफ कराई गई। बेमतलब की गाली मिलती रे, जरा बात पे पिट
जाते थे घर तेरे चाहे मौत हुई पर कामना उनके रुक पाते थे काम बिगड़ जा तुझसे तो सब दंड तुझी से भरवाते थे। तो कभी और क्या लिखता है ओ करो बाबा का जाग दलित इंसान। माँ बेटी और बहन तेरी हाँ माँ बेटी और बहन तेरी इनकी सदा गुलाम रही तुझे सताया इतना तो वे कौन बाग का आम रही आंख से आंसू बहते आए रे आबरू नीलाम रही। ओ पशुओं से तुम नीच बताए रे तुम समझो भगवान थारी मेहनत का खाते वो दानी कहो महान जिन्हें अजगर का स्वभाव न बदले रे ऐसा ही लो मान उन्हें। ओ अबे अपेणी करो जाग दलित इंसान। अब तो आंखें खोले प्यारे मायावती तुम्हें जगावे कह दो मीठे बोले प्यारे आगे बढ़ने का भी कोई रे रास्ता नया टटोले प्यारे। जीना है तो स्याने से जी लो वरना है धिक्कारे प्यारे स्वयं सुधर के उन्हें सुधारो जो बन रहे हैं ग्वारे प्यारे तुलसी राम तूफान का लिखना रे वरना है बेकार प्यारे। ओ आजाद है तू नादान बलवान तुझे अब तो होना चाहिए रे अब जाग दलित इंसान ध्यान तुझे अब तो होना चाहिए रे अब जाग दलित इंसान।